ये धरती पुत्र नहीं कर सकता, ये वही पुत्र कर सकता है जिसके बारे में कुरान ने कह दिया कि मेरा हबीब जो तुम्हें दे उसे ले लो। सुभान अल्लाह। अब आइए चलते हैं हम सबके जद्दे अमजद हजरत सैयदना आदम आला नबीना की बारगाह में। हम सबके जद्दे अमजद हैं, आदमियत उन्हीं से जारी हुई और अल्लाह के सबसे पहले नबी है और आदमियत उन्हीं से जारी हुई। अगर वो ना होते तो हम सब ना होते। वो अपने बेटे से क्या कह रहे हैं, अपने बेटे से किस तरह नसीहत कर रहे हैं। हदीस पाक के मुबारक अल्फाज ये है, सैयदना आदम आला नबीना अपने बेटे से कह रहे हैं, قال يا بني خذها بعمارة التقوى والعروة الوثقى। अब जरा बताइए कौन सी दौलत थी, कौन सी चीज थी जिसके बारे में सैयदना आदम अपने बेटे हजरत शीस अला नबीना से ये अर्ज कर रहे थे, ये कह रहे थे, ये नसीहत कर रहे थे। वो कौन सी दौलत थी, वो कौन सी चीज थी, तो सैयदना आदम अला नबीना अपने बेटे से ये इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे लखर जिगर, ऐ मेरे नूर नजर, सुन लो सुन लो जिक्र मुस्तफा भी जरूर कर लेना। सैयदना आदम इतने नहीं कह रहे कि जिक्र मुस्तफा जरूर कर लेना, बल्कि क्यों कह रहे हैं ये भी बता रहे हैं, ये मेरे बेटे, ए मेरे लगता जिगर, ए मेरे नूरे नजर, अच्छी तरह इस बात को समझ लेना, अच्छी तरह इस बात को चल लेना। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, अभी से बात मुबारक